मक्खन वाले चने, ये मक्खन है, अंडा है और वीआईपी चने, इसके बिना बाइट भी नहीं आती। इस तरह का पराठा है, मैंने पहले कभी भी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम इनके पास मक्खन वाला पराठा खा रहा हूँ। लाहौर में मुझे कहीं भी नहीं ये पराठा मिला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नाज़िम अनवर, आप इस वक्त देख रहे हैं नाज़िम फूड फ्लेवर। तो आज हम मौजूद हैं जी कसूर के अंदर। कसूर के अंदर वीआईपी खानों को करेंगे एक्सप्लोर, जिसमें से सबसे पहला हमारा पॉइंट है जी अल मशहूर हाजी बिल्ला मक्खन चने वाले। सुनने में आया है कि वो अपने चनों के अंदर मक्खन डालते हैं। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट है वो है जी कसूरी भटूरे, वो ट्राई करेंगे। और इन चीज़ों के दरमियान अगर हमें कोई चीज़ वीआईपी खाने के लिए मिलती है तो उसको भी करेंगे ट्राई। और आपके लिए क्या करना है रेकमेंड, देखते हैं इस वीडियो में। कसूर की ये सीरीज आज से हमारी हो गई है स्टार्ट, एपिसोड नंबर 1 है। तो आज मेरे साथ हैं जी इसमें मलक अली साहब, वो भी हमारा साथ देंगे और खा कर आपको बताएंगे कैसे हैं ये कसूरी नान चने और ये हाजी बिल्ला के मक्खन चने। सुनने में तो यही है कि उनके चने बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन आज हम जब उनके पास जाएंगे टेस्ट करेंगे तो फिर हम आपको एक्सप्लोर करेंगे कि इनका क्या टेस्ट है। तो थोड़ा सा वेट करिए, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेट्स गो। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं आपके खाने में? भाई हमारे पास चने, अंडा, मक्खन और कोफ्ता, साथ में मटन के पाए हैं। ये कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? ये माशाल्लाह हो गया हमें 40-45 साल हो गए इधर। वो आप ही काम कर रहे हैं? बस मेरे वाले साहब काम करते हैं हाजी बिल्ला चने वाले, उनके नाम से आपकी। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? जी मैं बेटा हूँ। ये मक्खन वाला क्या सीन है इसके अंदर? ये मक्खन निकलता सुबह सुबह चाटी से ताज़ा, तो वो चनों में डाल के देते हैं। ये आपके अलावा तो इधर मुझे लगता है कोई नहीं डाल रहा? डालते हैं सारे इधर, डालते जो दुकानों वाले ना डालते हैं, लेकिन जो शुरू हमने किया था। अच्छा, डाली हुई है, बड़ा वीआईपी सिस्टम है इनके पास। ये अजी इनका रायता और एंड पे चाटी की खास लस्सी जो कि इनके अपने फॉर्म हाउस की। पहले हम ट्राई करते हैं मिल्की पराठे को। मक्खन, उसके बाद सादे चने, आपको इसके अंदर से मक्खन का अलग जायका आएगा, चने का अलग जायका। और चने के अंदर ये जो तरी है ना, इसका
इसका अपना जायका है, ये इसके साथ मिक्स नहीं है। और दूसरी बाइट हमारी हो गई इसके ये जो खजियों वाले डिजाइन बने हुए हैं। दादा मैं हाय हाय चेक कर उन दोनों पराठों का अलग अलग रंग है, ये नीली है और ये साथ में दूसरा है, उनका टेस्ट एक जैसा नहीं है, अलग अलग टेस्ट है। मुझे नहीं पता ये भाई लोगों ने हमें साथ में मटन का छोलबा भी दिया है, मटन का। अब ट्राई करेंगे इस होटल की ऑटोमन बाइट मक्खन। साथ में अंडा, साथ में चने, और इसके बाद रायते के साथ एंड मुझे लगता है कि इनके रायते के बिना नाश्ता अधूरा है, बड़ा वीआईपी है यार। इन्होंने ना मक्खन बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाला हुआ है, इसीलिए तो इनके ये चने इतने मशहूर हैं। इस तरह का पराठा है ना, मैंने पहले कभी भी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम इनके पास मक्खन वाला पराठा खा रहा हूँ। लाहौर में मुझे कहीं भी नहीं ये पराठा मिला, ज़बरदस्त। ये जो मक्खन निकालते हैं ना उसके बाद ये जो चाटी की लस्सी मिलती है ये साथ में, वो अपने कस्टमर्स को मिलाते हैं और लास्ट में मिलाते हैं। जब भी आप इधर आएंगे ना ये आपको गिलास साथ में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मज़ेदार मुझे लगता है सब चीज़ों से ऊपर जो है ना ये हलवा है। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है लेकिन ये मक्खन से तैयार किया हुआ हलवा आपको इधर आने से मना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कहने ने पैन इन रोको, इन्हें रोको, बहुत अगे बढ़ गया, ये रोको इन। मक्खन वाले चने ट्राई करने के बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है कसूरी अंदर से। तो एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये आप बिल्कुल सामने आ जाएं बाबे बुल्ले शाह, ये दरबार है सामने और इसके बिल्कुल ये सामने दुकान है, ये सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है बाबे बुल्ले शाह कसूरी फलूदा और साथ अंदर रस्ते हैं, ये ट्राई करते हैं। सर क्या खाना है आपके पास? अंदर कितनी देर हो गई आपकी दुकान को? 35 साल हो गए। पहले आपके वाले साहब बनाते थे? अच्छा, कितनी सॉफ्ट है देखो, ये है जी गुड़ वाला रस्सा। इसकी आप लोगों ने बाइक कोई भी नहीं है, वैसे ट्राई करते बेहतरीन वी आई पी है। ये इसके ऊपर लगे हुए हैं दिल, ये सारा गुड़ के अंदर तैयार किया गया, बड़ा वी आई पी मर्ज। ये है जी खोए
कि अंदर से तैयार किया गया हुआ अंडा था। ये देखें नरम, मुझे लगता है ये 2 साल का बच्चा भी खा सकता है। ये चीनी के अंदर तैयार किया गया, जबकि वो काला था वो गुड़ के अंदर तैयार था। ये चीनी से तैयार किया, बड़ा नरम और सॉफ्ट है ये। ये जब इसको आप दबाएंगे तो इसका ये जो घी है वो भी ऊपर आएगा, इतना यानी कि नरम और घी के अंदर डूबा हुआ है।